नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। आपे से बाहर हुई ममता बनर्जी, बोली मोदी को थप्पड़ मारने का मन करता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को PM नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। ममता ने कहा कि उनका PM मोदी को थप्पड़ मारने का मन करता है। मैंने ऐसा झूठा प्रधानमंत्री नहीं देखा। जब चुनाव आते हैं तो राम नाम जपने लगते हैं। मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा, 5 साल पहले उन्होंने अच्छे दिन आने की बात की थी, लेकिन बाद में नोटबंदी करा दी। वह संविधान भी बदल देंगे। ममता ने कहा, मैं BJP के नारे में विश्वास नहीं रखती, पैसा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जब नरेंद्र मोदी बंगाल आकर कहते हैं कि TMC लुटेरे से भरी पड़ी है, तो मुझे उन्हें थप्पड़ मारने का मन करता है। पुरुलिया में TMC सरकार की उपलब्धियां बनाते हुए ममता ने कहा, क्या PM मोदी पुरुलिया के आदिवासी गांव के बारे में जानते हैं? अब तक यहां 300 ITI कॉलेज बनवाए जा चुके हैं। दिल्ली में मोदी 5 साल से हैं। मैंने बहुत संघर्ष किया है। मैं खुद को बेचकर राजनीति नहीं करती। मैं मोदी से नहीं डरती, क्योंकि मैं इस तरह की ही जिंदगी जीती हूँ। पश्चिम बंगाल में दिलीप घोष के काफिले पर हुआ हमला, 2 कारें भी तोड़ दी। पश्चिम बंगाल BJP के अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमले की खबर है। दिलीप घोष खजूरी के पूर्वा मेदिनीपुर में रोड शो कर रहे थे। आरोप है कि उसी वक्त TMC के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने दिलीप घोष के काफिले पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस घटना में BJP के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हमले में 2 कारों के शीशे टूट गई हैं। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। असम के मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी काफिले का हिस्सा थे। उन्होंने हमले के सिलसिले में कई ट्वीट्स साझा किए और आरोप लगाया कि TMC के गुंडे ने दोनों तरफ की सड़कों को अवरुद्ध कर दिया है और पश्चिम बंगाल पुलिस के जवान दर्शकों की अच्छी तरह खड़े हैं। नारायण राणे की जीवनी उद्धव ठाकरे पर लगा है सनसनीखेज आरोप। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे अपनी आत्मकथा ला रहे हैं। अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में वो कई हैरान करने वाले खुलासे करने वाले हैं। अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में राणे ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर सनसनीखेज आरोप लगाए। राणे का दावा है कि उद्धव ने उनके पिता बाल ठाकरे से कहा था कि अगर आप नारायण राणे की पार्टी से बाहर नहीं निकले तो मैं पत्नी रश्मि के साथ घर छोड़ दूंगा। बहुत जल्द नारायण राणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपलब्धि में अपनी जीवनी जारी करेंगे। पिछले महीने राणे के छोटे बेटे और विधायक नितेश राणे ने अपने पिता की आत्मकथा के बारे में ट्वीट करते हुए कहा, मेरे पिता और गुरु की आत्मकथा जल्दी आ रही है। उन्हीं के शब्दों में, अब आएगा मजा, सबका हिसाब होगा। राणे ने इसमें शिवसेना में शामिल होने लेकर छोड़ने तक की अपनी यात्रा को बताया है। उन्होंने कांग्रेस में अपने कार्यकर्ता के बारे में भी लिखा है। उन्होंने बताया कि मैंने बाला साहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के बारे में लिखा है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।